अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे। दोस्तों आज हमें ना सुबह सुबह एक तो बेड सरप्राइज़ मिला, उसके बाद आज मैं ना आपको गुड सरप्राइज़ दिखाने वाला हूँ, जो आज का हमारा सरप्राइज़ है। तो अभी मैं ना आपको आज का सरप्राइज़ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये देखें, डक का पैर। अल्हम्दुलिल्लाह ये ना कल मैं ले आया था, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, तो अभी मैं इसको ना पकड़ के फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमने ना अभी तो फ़िलहाल इनको ना ऐसे ही छोड़ दिया है, और इनके लिए ना हमने थोड़ा सा पानी का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन इनके लिए ना जल्द से जल्द हमें एक स्विमिंग पूल बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम कल है ना इनके लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाएंगे, ताकि ये ना आसानी से रह सके और इनको ना कोई दूसरी परेशानी ना हो, क्योंकि आपको पता है ना डक्स के लिए पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने ना सुबह इस वाइट वाली मुर्गी को बंद किया था, तो ये ना इतना तंग कर रही थी, ये घर की तरफ आ गई थी, और अभी देखते हैं इसने, हाँ इसने देखे अंडा भी दे दिया एक वाला। चलो चलो हटो भैया, हटो हटो, ये देखिए। दोस्तों ये वैसे ना ये मुर्गी ना काफ़ी छोटे अंडे दे रही है, पता नहीं ये स्टार्टर तो नहीं है। वैसे ये मुर्गी की एज भी बड़ी है, लेकिन पता नहीं अभी ना ये मुर्गी काफ़ी अंडे छोटे दे रही है, देखते हैं शायद किसी और मुर्गी ने भी ना अंडा वगैरह दिया। हटो 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 भाई हटो। हाँ दोस्तों ये देखें, एक ये भी अंडा मिल गया हमें, ये भी ना ये सुबह ये अंडा ना ये इस मुर्गी ने दिया है। तो हमने ना ये दोनों एग्स भी उठा लिए, कबूतरों को भी खोल देते हैं, या फिर पता नहीं ना किसने इनको बंद कर दिया। चलो भाई आ जाओ बाहर आ जाओ। हो अंडा, ओ भाई साहब, हे भी यार ये बहुत छोटा सा अंडा, ये देखें ये तकरीबन 1 इंच का अंडा हुआ है यार। ये लकी ने तो अंडा नहीं दे दिया इतना छोटा सा अंडा, लेकिन ये कैसे दे सकते हैं यार, ना तो हमने इनको नेस्टिंग दिए, ना तो हमने इनको कोई बॉक्स दिया है, और ना ही हमने इनको क्रॉस करते हुए देखा है। नहीं यार ये है तो बिल्कुल छोटा, वैसे ये देखें दोस्तों, ये देखें ना है बहुत ही छोटा, किसका हो सकता है यार। हो सकता है ये किसी मुर्गी ने किसी अंदर डरबे में घुस गई हो, क्योंकि ना मुर्गियाँ भी ना कहीं अंडा दे देती है, लेकिन इतना छोटा सा अंडा यार मुर्गी कैसे दे सकती है। ओ दोस्तों तो अभी हम इनको ना अभी हम इनका बड़ा केज खोल देते हैं, और आज ही ना हम इनके लिए, हो सकता है इन्होंने दिया हो, आ जाओ भाई। दोस्तों हो सकता है ये एक ना लकी ने दिया हो, तो आज ही हम इनके लिए ना डब्बा भी रख देते हैं, और नेस्टिंग मटेरियल भी ना इनके लिए रख देते हैं। हो सकता है शायद इन्होंने दे दिया, अगर इन्होंने दिया है तो यार बहुत फिर तो ना बड़ी खुशखबरी वाली बात हो जाएगी, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है। कबूतर से ना काफ़ी बड़ा है। दोस्तों ये आपने ज़रूर मुझे बताना है कि ये वाला एग हो सकता है कबूतर का या किसी मुर्गी ने अंदर घुस के दे दिया, ये आपने मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं इसको सेव कर लूँ, या अगर मुर्गी का है फिर तो इसमें से अंडा नहीं निकलेगा, अगर इसमें से बच्चा निकल सकता है। तो दोस्तों ये देखें हमारी बजरी। दोस्तों अभी ना कल से ना वैसे इन्होंने ना मटकियों में आना जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक ना कोई क्रॉसिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है ना अभी भी इनको हो सकता है 4 दिन इनको लग जाए पैर बनाने में, और उसके बाद ना ये नेस्टिंग करेंगी, और इसके बाद शायद ये बच्चे वगैरह दें, लेकिन फ़िलहाल तो ना अभी इनका कोई भी मूड नहीं लग रहा। क्या हुआ फातिमा, क्यों आई हो? ये देखें फातिमा भी आ गई है। फातिमा फातिमा क्यों आई हो? है कबूतर कहाँ है? तोता तोता कहाँ है? ये रहा दोस्तों, ये देखें ये मेरी ना छोटी बेटी है, जिसका नाम है गुलाम फातिमा। और फातिमा क्या कर रही हो? अरे सोने किसी करो पापा को किसी करो आए। दोस्तों ये मुर्गी भी ना माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ना अपने अंडों की केयर कर रही है, इसके अंडे चेक करते हैं। आज रात को ना हम इसके एग्स की ना केंडलिंग करेंगे, ताकि हमें पता चले कि सारे एग्स ठीक हैं या कोई मसला है। अगर कोई एग ख़राब होता है ना, तो हम इसका एग हटा देंगे, ताकि ना इस पर बोझ थोड़ा सा कम हो जाए।
दोस्तों ये जो वाइट मुर्गा है ना, ये 2 से 4 दिन में हमारे पास से चला जाएगा। ये वैसे ना मुर्गा मेरा ही था, लेकिन अभी किसी दोस्त ने मांगा है कि मुझे ना ब्रीडिंग के लिए अपना मुर्गा दो कुछ टाइम के लिए, या हो सकता है हम उसको मुर्गा दे ही दें। इसके बाद हम एक अच्छा सील मुर्गा क्वालिटी वाला ढूंढ कर लाएंगे इंशाल्लाह। तो लव बर्ड ने भी ना अपना पेयर बना लिया है, एक लुटिनो और एक कलर लव को। अरे कहना क्या चाहते हो? एक लुटिनो और कलर लव बर्ड ने ना अपना पेयर बनाया है, और एक इन दोनों ने अपना पेयर बनाया है। लेकिन मैं इस मरतबा ना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बली बेशक अलग अलग पेयर हों, और इनके बच्चे भी थोड़ा सा डिफरेंट आए, और हम देखेंगे तो इंशाल्लाह कैसे बच्चे आएंगे इनके। और ये देखें ग्रीन फिशर दोस्तों ये जो ग्रीन फिशर है ना, ये माशाल्लाह ना बहुत ही ज़्यादा अपने ब्रीडिंग बॉक्स में जाने लगी है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ना इसका तो कन्फर्म है कि ये वाले ग्रीन फिशर जल्द से जल्द ना पैर बनाकर अंडे भी दे देंगे। लेकिन दोस्तों इनका कोई हाल नहीं है, ना तो ये साथ में बैठते हैं, ना तो ज़्यादा खाते हैं, ना तो पीते हैं दोस्तों। लेकिन इन हमारे कॉकटेल का ना कोई हाल नहीं है, ना तो ये दोनों बैठते हैं, ना तो ब्रीडिंग का सोच रहे हैं, ना तो ये अंदर ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या मसला है, हो सकता है मेल फीमेल का कोई कन्फर्म ना हो। दोस्तों आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये मेल और फीमेल कन्फर्म है या कोई मसला आ रहा है। ये जो हम डकलियाँ हैं ना, अभी इनके लिए ना हम थोड़ा सा पानी का बंदोबस्त कर देते ताकि इनको थोड़ा सा ना फ्रेश महसूस हो, ताकि ये ना रिलैक्स महसूस करें। तो इंशाल्लाह कल हम इनके लिए ना कोई जल्दी से ना हम छोटा सा कल इनके लिए ना हम एक पूल भी बना देंगे, ताकि ये अपना आसानी से यहाँ पर रह सके और एग्स भी दे और इन्जॉय भी करते रहें। दोस्तों कुछ दिनों से ना मैंने तितर नहीं दिखाए थे। असल में ये जो ब्लैक तितर है ना, मैं वो शॉप पर लेकर जाता था, लेकिन आज मैं आपको ना ये दोनों दिखा रहा हूँ। तो किसी भाई ने मुझे बोला था कि आप इनको ना अलग अलग केज में बंद कर दो ना, इनको फ़िलहाल अलग अलग केजेस में बंद कर दिया है। तो अभी ना वैसे कुछ ये हाथ पे सेट हो गए, इतना ज़्यादा ना ये डर नहीं रहे। लेकिन जो हमारे पास एक छोटा सा ना वो वाइट तितर था यार, पता नहीं ना वो किस तरह हमारा केज खुला है और हम बाहर चले गए। तो हम जब वापस आए ना तो केज खुला हुआ था और वो तितर हमें नहीं मिला। मोहल्ले से भी हमने मालूम किया, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला तितर का, हो सकता है मिले, हो सकता है हमें ना भी मिले। और ये गुलाबों देखें, और ये गुलाबों देखें, ये खा पी के ना बैठी हुई मस्त बनी बैठी हुई है। और आज से हम इस छोटी वाली बकरी का नाम रख रहे हैं लैला। लैला बहुत प्यारा नाम है वैसे दोस्तों, हम इसका लैला का ना मजनू भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ले आएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल पेट शेल्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना हरगिज ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।